हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने एप्लीकेशन को कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो उसको कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, और इसके बाद इसमें जो भी बेसिक्स स्टेप्स है वो सारी स्टेप्स हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को हम सिंपल सा यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा पास प्रोजेक्ट। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट हो, मैंने यहाँ पे सारा कस्टमाइजेशन का स्टेप बताया हुआ है, तो आपके पास कोई भी ऐप हो आप सिंपल सा ओपन कर लेंगे। तो मेरा एक न्यूज ऐप है, इसको मैंने यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इस लोकेशन को, कुछ इस टाइप का लोकेशन आपको मिलता है, और यहाँ से आपको लोकेशन को अपने कॉपी कर लेना है। जहाँ पे भी आप अपने सोर्स कोड को रख रहे हैं, आप डेस्कटॉप पे मत रखिए, उसके अलावा भी आप किसी और ड्राइव में रख सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप रखेंगे ऐसे आपको सोर्स कोड को इम्पोर्ट कर लेना है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि कैसे इम्पोर्ट करते हैं किसी भी सोर्स कोड को। तो इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे कैसे किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे रन कराते हैं, पैकेज नेम चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो लाइक यहाँ पे पैकेज नेम कैसे चेंज करते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पे पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है कुछ इस टाइप में। तो हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं। पहले यहाँ पे आपका जैसे ही इसको करते हैं तो कुछ इस टाइप में रहता है, आप देख सकते। इसको यहाँ से एक्सपेंड कर लेंगे, इस पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, इसको अनटिक करेंगे तो यहाँ से एक्सपेंड हो जाएगा। इसके बाद इसको पैकेज नेम सिंपल सा चेंज करने के लिए इस पर हमें राइट क्लिक करना है। और इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि पैकेज नेम को आप कैसे यूनिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने पैकेज नेम रखा हुआ है, तो यहाँ पे अपने आपको सिंपल सा अपने प्ले कंसोल या फिर आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे कोई भी एप्लीकेशन, ओपन करने के बाद यहाँ पे पैकेज नेम पे जैसे इंटर करते हैं कुछ इस टाइप का शो हो के आता है, यानी कि इस पैकेज नेम के साथ कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप अपने इस पैकेज नेम को यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप पैकेज नेम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको सिंपल सा उस पे जाना है, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्टर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का यहाँ पर डू रिफ्लेक्टर पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा डू रिफ्लेक्टर कर देना है, और इसके बाद अगर आपका यहाँ पे डू रिफ्लेक्टर नहीं आता है तो डायरेक्ट भी यहाँ से चेंज हो जाता है। ठीक, ऐसे ही फिर से आपको ऊपर वाले पे कॉम के बाद अगर ऐप है इस पे भी आप चेंज करना चाहते हैं, रिफ्लेक्टर पे जाएंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी चेंज करना चाहते हैं कर लेंगे, रिफ्लेक्टर पे फिर से क्लिक कर देंगे तो आपका पैकेज नेम वहाँ पर सेकंड वाला भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप पैकेज नेम चेंज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन की आईडी है, सॉरी यहाँ पे जो पैकेज का नेम है वो आपको यहाँ पे भी ऐड कर देना है। बिल और ग्रेडल के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी है, यहाँ पे आप सिंपल से ऐड कर लीजिए। ओके, ऐड हो गया, और उसके बाद एक बार सिंक नाउ कर देंगे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ से हमारा पैकेज नेम सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। इस तरह से आपको वहाँ से पैकेज नेम वहाँ पे चेंज कर लेना है, और यहाँ पे बिल डॉट ग्रेडल के अंदर आकर के यहाँ पर ऐड कर लेना, जो कि सारे एप्लीकेशन के आपको सारे जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो उसमें सारे स्टेप सेम ही होते हैं, बस आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक स्टेप्स वो आनी चाहिए। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, आपको थोड़ा वेट कर लेना है बिल डॉट ग्रेडल में जब भी आप सिंक्रोनाइज करते हैं। तो बाकी सारे जो यहाँ पे डिपेंडेंसी है उसको इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको ऐसे ही रखना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो यहाँ पे हम आपको प्रोजेक्ट को आपको सिंपल सा प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐप को एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे एक फ़ाइल है गूगल सर्विस डॉट जे एस ओन की फ़ाइल। तो ये मेनली एक फायरबेस से रिलेटेड है, तो फायरबेस आपको यहाँ पे फायरबेस से आपको जे एस ओन फाइल मिलेगी। आपको यहाँ पे आप टाइप करना है फायरबेस, यहाँ पे फायरबेस का ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे सिंपल सा ओपन हो जाएगा। इसको आपको लॉगिन कर लेना है, जिस भी आप मेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम आपको बताएंगे कैसे जे एस ओ एन क्रिएट करते हैं, और इसमें आपको जो भी चीज़ें हैं वो कैसे ऐड करते हैं वो सब कुछ। तो पहले हम यहाँ से फायरबेस के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किए, और यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे गो टू कंसोल का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है, और यहाँ पे गो टू कंसोल पे क्लिक कर दिए। इसके बाद आपका जो कोई अगर पहले से कुछ प्रोजेक्ट आप क्रिएट किए रहेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट शो हो जाएगा, अगर फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट आपका शो होकर नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा 2 प्रोजेक्ट शो हो रहा है, उसको आपको छोड़ देना है। आपको सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख देना है, जो कोई भी आप अपने प्रोजेक्ट का नेम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन का नेम है वही हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम एज लिख लेते हैं। फिर से हम कर लेते हैं ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम लिख देंगे। इसके बाद नीचे पे हमें कंफर्मेशन कर देना, कंफर्म कर देंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट। आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे हम इसको भी एक्सेप्ट करेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है जब तक कि हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो बेसिक स्टेप्स है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा गूगल सर्विस JSON जो कि पहले से एडेड है, इसको हमें सारा डिलीट करके और अपना हमें JSON ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, हम देख सकते हैं फिनिशिंग अब फिनिश हो चुका, कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे हमारा फायरबेस का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका ऐप एंड्रॉयड का है, iOS का है कि वेब का है। तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड का है तो एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें अपने ऐप को रजिस्टर करना है। इसके लिए हमें पैकेज नेम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से अपने पैकेज नेम को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। हमें पैकेज नेम ऐड करना है, ये रहा हमारा पैकेज नेम, मैंने सब कुछ अपने नोटपैड पे रखा हुआ है। तो हमने पैकेज नेम मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद से निक नेम है जो कि ऑप्शनल है, आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें SH1 की कैसे जनरेट करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो SH1 की जनरेट करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे ग्रेटर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे टाइप करेंगे साइनिंग रिपोर्ट। आपको स्पेलिंग करेक्ट लिखना है, यहाँ पे हम नोटपैड पे आपको लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको लिख देना है SIGNINGREPORT, ओके साइनिंग रिपोर्ट। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर से हम चले जाते हैं अपने ग्रेडल पर। हम ग्रेडल पे जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इंटर कर देंगे। इसके बाद आपका SH1 की होगा यहाँ पे सिंपल सा जनरेट होके आ जाएगा। कुछ सेकंड का वेट कर लेते हैं। अगर कोई इशू आता है इसको जनरेट करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और एप्लीकेशन है जो कि एप्लीकेशन आप बनवाना चाहते हैं फिर कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइनिंग रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा SH1 की एंड SH256 एक और की होता है वो भी जनरेट होके आ जाता है। तो ये मेनली तब ज़रूरत पड़ती है जब आपके एप्लीकेशन में कोई लॉगिन से रिलेटेड वहाँ पे आपका फीचर्स है जो कि लॉगिन विथ मेल पासवर्ड एनीथिंग, तो लॉगिन अगर सिस्टम है तब ये यूज किया जाता है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे एप्लीकेशन में लॉगिन है तो मैंने लॉगिन से के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बता दिया जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारा SH1 की जनरेट होके आ चुका, यहाँ पे हमें SH1 की यहाँ पे ऐड कर देंगे, रजिस्टर ऐप पर क्लिक कर देंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पे SH1 की जब आप ऐड करें तो आपको ध्यान रखना है कोई भी स्पेस ना रखिए, क्योंकि अगर स्पेस रखेंगे तो यहाँ पे आपका ले नहीं पाएगा और यहाँ पे एरर शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड गूगल सर्विस JSON है, इस पर हमें डाउनलोड कर लेना है और हमारा आप देख सकते हैं JSON फाइल डाउनलोड हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू टू कंसोल कर देंगे। यहाँ पे हमारा फायरबेस का डैशबोर्ड ओपन होके आ चुका है, एंड्रॉयड का डैशबोर्ड, ओके। हमारा जो कि हमने जनरेट किया, हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था गूगल सर्विस JSON फाइल, तो हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है यहाँ से ओपन हो चुका है हमारा। इसको सिंपल से यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे सारे टेक्स्ट को, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर ला करके, और यहाँ पर या फिर गूगल सर्विस JSON की ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, हम सिंपल सा जो हमने कॉपी किया था उसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे जो हमने अपना अपने पैकेज नेम के साथ JSON फाइल जेनरेट किया हुआ है, ओके। ऐसे आपको अपने JSON फाइल को ऐड कर लेना है। फिर से अपने एंड्रॉयड पे आ जाएंगे, इसको कट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट की जो सारी सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लाउड मैसेजिंग पे पहले आपको आना है और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं उसको हम यहाँ पे कर लेंगे। और हमें एक ऐड करना है यहाँ पे, हमें वन सिग्नल की, और इसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट करना है वन सिग्नल की। कैसे जनरेट करते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो हम आपको अब बताएंगे। तो वन सिग्नल आईडी के लिए आपको सिंपल सा वन सिग्नल आईडी को ओपन कर लेना है यहाँ पे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पे पहले हम फ्री में यूज करना सीखेंगे, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे पेड अभी नहीं लेंगे क्योंकि हमें पेड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फ्री वाले को हम यूज करेंगे। फ्री वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पे लॉगिन विद गूगल कर सकते हैं, या फिर लॉगिन करने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आपका वन सिग्नल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे हम अपने न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख देना है, एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे फायरबेस सर्वर की और फायरबेस सेंडर आईडी यहाँ पे आपको ऐड करना है। वो कहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, फायरबेस में आपको आना है।
क्लाउड मैसेजिंग पे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ न्यू फीचर्स आया हुआ है। तो आपको क्लाउड मैसेजिंग के लिए यहाँ पे क्या क्या करना है, यानी आप पहले से डिसेबल है, आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा क्लाउड मैसेजिंग API को। तो इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड मैसेजिंग से अटैच कर दिया गया है फायरबेस को। तो यहाँ से अब आपको यहाँ पर इनेबल करना, जो कि पहले नहीं था, डायरेक्ट इनेबल वहाँ पे शो था, तो इसको हमें इनेबल करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। तो वन सिग्नल ID जनरेट करने के लिए आपको अपने मेल ID को वेरीफाई भी कर लेना होगा। जब वेरीफाई का मेल आएगा तो वेरीफाई करेंगे तभी आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। तो आप उसको ओपन कर लीजिएगा अगर कोई इशू आता है तो। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा क्लाउड मैसेजिंग इनेबल हो चुका है और आप देख सकते हैं ऊपर मैं इनेबल हो चुका है। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं अपने फायरबेस के अकाउंट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाउड मैसेजिंग API नीचे हमारा जनरेट होकर आ चुका है, यानी सर्वर की यह हमारा नीचे जैसे ही इनेबल हो जाएगा यहाँ पे हमारा सर्वर की भी यहाँ पे शो होकर आ जाएगा, सर्वर की एंड सेंडर ID। तो इस तरह से आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे अपने फायरबेस में आकर के, नीचे आएंगे और यहाँ पे सर्वर की एंड सेंडर ID ये होता है फायरबेस का, ओके। इसको सिंपल से यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे अपने वन सिग्नल में, फायरबेस सर्वर की सिंपल से यहाँ पे ऐड कर देना है और इसके बाद से सेंडर ID है इसको भी यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो जाता है, इसको भी यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने फायरबेस सर्वर की एंड फायरबेस सेंडर ID ऐड किया, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेटिव एंड्रॉयड, हम एंड्रॉयड के लिए कर रहे हैं तो नेटिव एंड्रॉयड करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर डन कर देंगे। यहाँ पे कीज एंड ID पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वन सिग्नल की का ID जनरेट हो चुका, ऐप ID और यहाँ पे REST API की, यानी कि दोनों की यहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट होके आ चुका है। इस तरह से बहुत इजी तरीके से अपने एप्लीकेशन के लिए वन सिग्नल ID आप जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने हम नोट पैड पे सारी चीज़ें एक जगह हम रखते हैं जिससे कि हमें ईजिली रहे सब कुछ यहाँ देखने में। तो इसको भी यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट। ये हमारा हो गया वन सिग्नल ऐप ID एंड REST API की। इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से आप जनरेट कर लेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है, हम आ जाते हैं इसको न्यू टैब को ओपन कर लेते हैं। अब हम सीखेंगे कि यहाँ पे आपको कैसे यहाँ पे कोई भी YouTube की API की जनरेट करते हैं। तो YouTube की API की जनरेट करने के लिए सिंपल सा YouTube API की जनरेट लिखेंगे। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ओपन कर लेंगे YouTube API की। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे या फिर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इजीली, ओके। तो YouTube API की मेनली जब अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में YouTube का कोई वीडियो आप ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पे यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्लाउड डायरेक्ट, अभी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं क्लाउड मैसेजिंग में आ करके। YouTube API की आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे जिससे कि आपको इजीली रहे फाइंड आउट करने में। तो YouTube जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे YouTube डेटा V3 लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना। ये YouTube की API है जो कि हमें प्रोवाइड किया जाता है YouTube की तरफ से, इसको इनेबल कर लेंगे। और YouTube की API यहाँ पे इनेबल हो जाने के बाद हमें एक ID मिलेगी, उसी ID को हमें यूज़ करना होता है अपने एप्लीकेशन में। तभी आप कोई भी YouTube का URL आप देते हैं अपने एप्लीकेशन में तो आपका जो वीडियो है वो प्ले होगा। तो यहाँ से लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी लाइब्रेरी आपको मिल जाएंगी और कोई भी लाइब्रेरी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो फिलहाल हमें ID चाहिए जो कि हमने YouTube का API अभी जनरेट किया। क्रेडेंशियल पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है और यहाँ पे हमें चाहिए, नीचे आते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड की, हमें एंड्रॉयड की चाहिए। यहाँ पे शो की पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे योर API की, ये हमारा है YouTube की API की, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने नोट पैड पर लिख लेते हैं YouTube API की, जो कि अभी हम यूज़ करने वाले हैं। जब हम यहाँ पे एडमिन पैनल सेटअप करेंगे तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि कैसे जनरेट करते हैं। तो आप इस वीडियो को, जो कि अगर आप स्टार्टिंग से सब कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक एप्लीकेशन में करें, सारे एप्लीकेशन में यही स्टेप होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कैसे ऑथेंटिकेशन को हम इनेबल करते हैं। तो आपको यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि लॉगिन है आपके एप्लीकेशन में, लॉगिन विद ईमेल ID, पासवर्ड, गूगल्स, एनीथिंग, वो सारी चीज़ का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड करेंगे क्योंकि मेरे एप्लीकेशन में ईमेल एंड पासवर्ड का ही है। अगर आपके एप्लीकेशन में लॉगिन विद गूगल है, फेसबुक है, फ़ोन नंबर है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें उसमें मेंशन किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख करके और उसको इनेबल कर सकते हैं अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को, क्योंकि कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर, जो कि ईमेल आईडी पासवर्ड इजीली हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सिंपल सा इनेबल करेंगे, इनेबल हो जाएगा। बट फेसबुक हो गया और लॉगिन विथ गूगल हो गया तो उसमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे आपको इनेबल करना होता है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए,
आपको क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको इनेबल कर लेना है अपने क्रेडेंशियल को। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं SHA-1 की मैंने ऐड किया, और कोई और भी की आपको ऐड करना है तो ऐड अ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। और सपोर्ट ईमेल है तो ईमेल आईडी आप यहाँ से ऐड कर लेंगे, जो कि जनरल वाले कैटेगरी के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे भी आप क्लाउड मैसेजिंग में एक बार देख लेते हैं। तो क्लाउड मैसेजिंग में सर्वर की भी जनरेट हो चुका, और बाकी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारा फायरबेस का काम हो चुका है अप्रॉक्स। अब यहाँ पे हम आते हैं, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे इसमें अपने एप्लीकेशन का नेम चेंज करना है। तो एप्लीकेशन का नेम चेंज करने के लिए सिंपल सा आपको RES फोल्डर्स के अंदर आना है। ये हमारा एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है, तो हम यहाँ से वैल्यूज़ के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक फाइल्स मिल जाएगी string.xml की फाइल। तो string.xml को जैसे यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन का नेम आप यहाँ से चेंज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक string.xml है, और यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम हमने अपने नोटपैड पे रखा हुआ है, तो यहाँ से अपने इसको कॉपी कर लेते हैं। आप जो भी नेम रखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐप का नेम है, तो सिंपल से यहाँ पे हम ऐप का नेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम जो भी कोई है यहाँ पे, जो जैसे एड्स है, तो हमने अगर एड्स लगाया हुआ है तो एड्स के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एडमोब का ऐड, तो एडमोब के ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ सबसे पहले आपको साइन इन कर लेना है, आपको उसी मेल आई डी पासवर्ड से लॉग इन कर लेना है। तो आप किसी भी मेल आई डी पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं, नो इशू। सेटिंग पे ऊपर जाएंगे, जो कि फर्स्ट टाइम अगर आपका है तो थोड़ी सी सेटिंग आप कर लीजिए। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आपको कर लेना है, सेव कर देंगे सेटिंग में आकर के, ठीक है। तो आपको ट्रांसपेरेंट कर लेने के बाद पर्सनल सेटिंग्स में जाएंगे, तो वहाँ पे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं फिलहाल। तो ये हमारा एडमोब की हम आईडी अब जनरेट करेंगे, तो यहाँ इसको भी हम अपने नोटपैड पे ही रख लेते हैं, जो कि हम अपने एडमिन पैनल सेटअप करते टाइम इन सारी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारी पब्लिशर आईडी है, जो कि आपकी अपनी पब्लिशर आईडी ही यूज़ करना है, किसी और की पब्लिशर आईडी आप नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि और यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपके एप्लीकेशन में। तो खुद का कीजिए सारी चीज़ें। मैंने न्यू ऐप क्लिक किया, और इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम है, तो एप्लीकेशन का नेम आप यहाँ पे रख लीजिए, कोई भी नेम रख सकते हैं, जो आपका एप्लीकेशन का नेम है सिंपल सा आप वही नेम रख लीजिए। ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे, तो हमारा एडमोब का ऐप जो है यहाँ पे आ चुका। इसके बाद इतनी सारी ऐड होती है, सबसे पहले बैनर ऐड क्रिएट करते हैं। ऐड यूनिट का नेम, तो आप नेम कोई भी नेम रख सकते हैं अपने ऐड का। ऐड का नेम मैंने रख दिया बैन1 या बैनर1, एनीथिंग यू कैन ऐड। और इसकी हमारी आईडी है, जो कि हमारी ऐड की आईडी है, और ऐप की आईडी अलग होती है, जो कि ऐप की आईडी जितना भी आप एक एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट करेंगे ऐप की आईडी सेम रहती है, बाकी जो ऐड की आईडी है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, क्योंकि वो अलग अलग ऐड है तो उसकी आईडी डिफरेंट होती है, और ऐप हमारा एक ही है तो उसकी ऐप आईडी एक ही रहती है। तो हमारे पास एक ऐप की आईडी है, तो ऐप की आईडी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अपने एप्लीकेशन में। आपके पास जहाँ कोई भी है दिया हुआ है, आप ऐसे ऐप की आईडी अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए, जो कि मैनिफेस्ट फाइल्स के अंदर भी ऐड किया जाता है। आप वहाँ से चेक कर लीजिए कि आपका ऐप आईडी कहाँ पर यूज किया गया है, वहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। मैंने अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड किया है। इसके बाद बैनर की ऐड आईडी है, तो बैनर की आईडी हम यहाँ से लिख लेते हैं। ऐसे हमें एक इंटरशियल आईडी भी चाहिए, तो इंटरशियल आईडी भी हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया, ठीक है। ऐसे एक और क्रिएट कर लेते हैं, और नेटिव एडवांस्ड ऐड, तो आपको जो भी ऐड की रिक्वायरमेंट है अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड क्रिएट कर लीजिए। ऐसे आपको ऐड क्रिएट करना होता है। ये हमारा हो गया नेटिव आईडी, एंड पेस्ट कर देते हैं इसको। एक लास्ट होता है, जो कि जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, वहाँ पे सबसे पहले ऐड शो हो गया था और स्किप का ऑप्शन आता है, तो वो मेनली ऐप होता है ऐप ओपन ऐड, तो उसको भी जनरेट कर लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, लास्ट है ऐप ओपन, इसका भी नेम हम लिख देते हैं ऐप ओपन। क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे, और ये ऐड भी हमारा जनरेट होके आ चुका। तो हमने सारे ऐड क्रिएट कर लिए अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, इतने ऐड की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये हमारी ऐप की आईडी हो गई, उसके बाद बाकी सारे जो है वो बैनर की आईडी है, ठीक है। डन पे क्लिक कर देंगे। अब हमें कोई और आईडी नहीं क्रिएट करना है। अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, नो इशू। एक बार पेमेंट को ओपन कर लेते हैं, पेमेंट वाले सेक्शन को। पेमेंट वाले सेक्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं मैनेज टैक्स इन्फो कुछ इस टाइप का मेरे में आ रहा है, तो हम रीड कर लेते हैं और इस पर एक बार क्लिक करते हैं कि इसमें क्या मैनेज करने को बोल रहा हूँ।
इसमें आप देख सकते हैं टैक्स से रिलेटेड कुछ इशू है, इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने होंगे, तो इसको पे हम एक बार क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो, तो यहाँ पे हमें अपने कुछ डिटेल्स ऐड करने होंगे, लाइक अपने पैन कार्ड्स एनीथिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या आपने ऐड करना होगा। तो आप सबसे पहले आप अपना इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर दीजिए पेमेंट से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे पहले ही ऐड करवाया जा रहा है, तो पहले नहीं था ये, जो कि न्यू आया हुआ है, तो आप उसको ऐड कर लीजिए, अपना पैन कार्ड ऐड कर लीजिए, जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है वो सारे डिटेल आप केयरफुली आपको ऐड कर लेना, ठीक है, ऐसे आपको ऐड कर लीजिए। वो यहाँ से आपका ऐड हो चुका है ऐड वाला सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है कैसे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करते हैं अपने एप्लीकेशंस के लिए। तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने के लिए बहुत सारी साइट्स आपको मिल जाएगी, तो एक सिंपल सा साइट्स है उसको हम आपको बताते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट फॉर ऐप जैसे ही मैंने लिखा, इसका यहाँ से एक वेबसाइट ओपन हो गया, यहाँ से हम अपने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर लेते हैं। तो सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पर जो कोई भी आपका फीचर्स है आपके एप्लीकेशंस में यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो मेरे एप्लीकेशन में इतने सारे फीचर्स हैं, ऐड कर लिया, और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद आपको एक मेल आईडी एंड पासवर्ड चाहिए होगा, तो कोई भी मेल आईडी जो कि आपने उस मेल आईडी से पहले कभी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट नहीं किया हो वही मेल आईडी चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम जो कि अपने में एक मेल आईडी मेरे पास है, उस मेल आईडी को हम यहाँ पर लिख लेंगे, और पासवर्ड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं एनीथिंग। उसके बाद यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी हमारा जनरेट होके आ जाएगा। अगर आपके पास अलग से आपने कोई अलग से प्राइवेसी पॉलिसी बना के रखा हुआ है, जो कि बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, आप देख सकते हैं गूगल पे, तो वो URL भी आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि आप कहाँ से आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए या फिर वेबसाइट्स के लिए, नो इशू। तो यहाँ से हम जनरेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्राइवेसी पॉलिसी सक्सेसफुली जनरेट होकर आ चुका है। अगर नहीं जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कि आपने जो ईमेल आईडी यूज़ किया है वो ईमेल आईडी यहाँ पर यूनिक नहीं है, यानी उस मेल आईडी से आपने पहले भी जनरेट किया हुआ है, तो आप न्यू मेल आईडी यूज़ कीजिए, किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि उस मेल से कभी भी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट ना किया गया हो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो URL है, मेनली हमें URL चाहिए, तो ये हमारा URL हमें मिल चुका, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने नोटपैड के अंदर, इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर देंगे, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस का भी यहाँ पे हमें URL मिल जाता है, तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा होता है टर्म्स। ओके, तो टर्म्स आ गया, ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, इतनी सारी चीज़ें जनरेट हो चुकी, तो ऐसे आपको यहाँ पे जनरेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम आपको बताते हैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ें होती हैं आपके एप्लीकेशंस में, और यहाँ पे हमारी बनी बनी चीज़ है जो कि हमें कस्टमाइजेशन करना होता है। कस्टमाइजेशन इतनी सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं, जो कि बहुत ही केयरफुली आपको करना होता है, क्योंकि अगर आप कस्टमाइज प्रॉपर नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से रिजेक्ट हो सकता है या फिर सस्पेंड भी हो जाता है, तो इसलिए आप केयरफुली सारी चीज़ें ऐड कीजिए। इसके बाद यहाँ पे कलर्स हैं, तो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर कैसे कलर्स को चेंज करेंगे, तो कलर्स के लिए आपको सिंपल सा कलर्स या फिर में जाएंगे और यहाँ पे कलर्स चेंज कर लेंगे। एरेज है एंड बाकी सारी जो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें क्या क्या अटैच किया गया है। string.xml में बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। इसके बाद से नेटवर्क कॉन्फ़िग है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, मेनली हमारा string.xml होता है और colors.xml होती है, कलर्स में आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, डायमेंशंस में डायमेंशंस जैसा आप उसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। इन सब में भी हमें कोई इशू नहीं है। एंड कलर्स में अगर आप ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू एनीथिंग देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, कलर कोड के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, हो सकता है आपके में थोड़ा सा चेंजिंग हो, बट नो इशू, आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो आप कोई भी रहेगा आप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कैसे लोगो को चेंज करते हैं। लोगो चेंज करने के लिए आप सिंपल सा मीप मैप में जाएंगे। मीप मैप में जाने के बाद हमारे पास एक लोगो रखा हुआ है अपने एप्लीकेशन के लिए, आप जो भी एप्लीकेशन के लिए अपना लोगो रखे हुए हैं उस लोगो का पाथ एक बार रख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है आपको अपने सोर्स कोड को सी ड्राइव या फिर डेस्कटॉप पर नहीं रखना है, किसी भी और ड्राइव के अंदर आप रखिए। इसके बाद उस ड्राइव को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर जाएंगे राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, इमेज एसेट पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे जहाँ पे भी आपने अपने लोगों को रखा हुआ है उसके लोकेशन को एक बार दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपने लोगों, ओके पर क्लिक करेंगे, ये हमारा लोगो है। बैकग्राउंड लेयर हम कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ग्रीन रहता है, यहाँ पर हम कर देते हैं वाइट कलर। वाइट का जो कोड होता है 666F होता है, आप कलर कोड गूगल से पढ़ सकते हैं।
फोरग्राउंड लेयर पे अगर मिप मैप से करते हैं तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपका मोबाइल कोई भी डिवाइस हो जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग एंड्रॉयड का हो और उसमें आपका जो आइकन हो सर्कल में हो या फिर किसी भी फॉर्मेट में हो तो सब में अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। इसलिए मिप मैप में करने का यही फ़ायदा होता है और सारे डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है कुछ इस टाइप से। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं ड्रावल फोल्डर के अंदर जा कर के भी, बट यहाँ पर बेस्ट रहता है मिप मैप से करते हैं तो। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेट हो चुका जो कि सर्कल फॉर्म में इस टाइप का रहेगा एंड रेक्टेंगल में ऐसे रहेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। कम या ज़्यादा साइज को रिसाइज कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मिप मैप के अंदर मैंने सेट कर लिया। फिर से एक बार और दिखा देते हैं, इमेज सर्च में जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिर से हमारा ग्रीन हो जाता है, अगर फर्स्ट टाइम करते हो तो ग्रीन हो जाता है। फिर से आपको व्हाइट कर लेना है इसके बैकग्राउंड लेयर्स को, ब्लैक करना चाहते हैं ब्लैक कर सकते हैं, ब्लू एनीथिंग। तो यहाँ आपको सिंपल सा व्हाइट कर लेना है जो कि 6F प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड होगा व्हाइट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है, साइज को रिसाइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। हम कर देते हैं जस्ट 70, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड फिनिश कर देंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक्स इमेज हैं, उस इमेज को हम चेंज करना बताएंगे। अगर आपके पास जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ चेंजेस होती हैं लोग की कुछ इमेजेज हैं बेसिक इमेज, उस इमेज को कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि स्प्लैश स्क्रीन का इमेज है, स्प्लैश स्क्रीन का मतलब होता है जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में जो इमेज शो होके आता है उसको हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। इस इमेज को हम लगाना चाहते हैं अपने स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, तो हम कर लेंगे इसको कॉपी, अपने सोर्स कोड में आ जाएंगे जहाँ पे भी अपने सोर्स कोड को रखा हुआ है, SRC के अंदर, मेन के अंदर, RES के अंदर एंड ड्रावल फोल्डर के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी XML की फाइल है, यहाँ पे हमारी कोई यहाँ पे कोई इमेज की फाइल नहीं है। फिर से हम बैक जाएंगे और सेकेंड ड्रावल में जाएंगे, यहाँ पे हमारी इमेजेज हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और आपको कैसे ऐड करना है, जो नेम लिखा हुआ है उसी नेम को आपको कॉपी करना है। तो इस नेम से हमें चाहिए अपने स्प्लैश स्क्रीन का इमेज, इसको हम कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेंगे, इस इमेज को इसको हम डिलीट कर देंगे। और जो इमेज था उसी इमेज की साइज़ आपको सेम साइज़ रखना है और नेम भी आपको सेम रखना है। JPG है तो JPG कर लीजिए और PNG है तो PNG कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम आती है JPG PNG से, तो बेटर यही रहेगा जो फॉर्मेट में दिया है पहले से इमेज आप उसी नेम से और उसी फॉर्मेट का न्यू इमेज क्रिएट करके आप चेंज कीजिए। एक और है उसको भी हमें चेंज करना है, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इस इमेज से रिप्लेस करना है, इस नेम से रिप्लेस करना है जो कि हमारे साइज़ दोनों का सेम ही है, इसको हम रिप्लेस कर लें। तो इस तरह से आपको स्प्लैश स्क्रीन चेंज कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशंस है, तो नोटिफिकेशंस इमेज को भी हम चेंज करेंगे। हमारे पास जो इमेज है, जो हमारे पास लोगो है उसी को हम नोटिफिकेशन में लगाना चाहते हैं, और तो उससे पहले हम इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। अपने पेंट में आकर के रिसाइज पे पिक्सल्स, इसको वन टिक करेंगे, इसकी साइज को हम जो आइकन का जो साइज है वही आइकन की साइज़ यहाँ पर रख लेंगे 72x72। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा हो गया। और इसका जो नेम है, नेम हम कॉपी कर लेंगे, इसी नेम से हमें रिप्लेस करना होता है। फाइल्स पे जाएंगे, सेव एज करेंगे, हम पहले नेम को चेंज करेंगे जिस नेम से हम सेव करना चाहते हैं। हम यहाँ पर हम नेम लिख दिए। इसके बाद लोकेशन कहाँ पे है, इस लोकेशन को सिंपल सा कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस लोकेशन पे हमें इस नेम से इमेज यहाँ पर सेट हो जाएगा, एस पे क्लिक कर देंगे यानी उस इमेज से रिप्लेस कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली इस तरह से इमेज, आपका कोई भी इमेज हो ऐसे आपको चेंज कर लेना, आइकन्स एनीथिंग जो कुछ करना चाहते हैं आप कर लीजिए। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इसकी साइज़ जितनी भी हो आप चेक कर सकते हैं, 24x24, बाकी सारी इमेज आप चेंज कर लेंगे ऐसे जा करके, सेम साइज हो सेम नेम से आप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे इमेज को रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो हम एक बार अपने प्रोजेक्ट को सिंक्रोनाइज किए हैं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो रहा है। ठीक है, हमने इतनी सारी चीज़ सीख ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स है, यहाँ पे हम एडमिन पैनल्स के थ्रू हम ऐड करना चाहते हैं, तो अभी हमने एडमिन पैनल के थ्रू हमने ऐड नहीं किया। एक यहाँ पे कॉन्फ़िग की फ़ाइल होती है आपके में, हो सकता है किसी और फाइल्स के अंदर हो, आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, उस फाइल्स को ओपन कर लेना है। मेरे पास एक कॉन्फ़िग ऐप config.java की फ़ाइल है, यहाँ पे हमें अपनी एडमिन पैनल जो सेटअप करेंगे उसका URL यहाँ पे हमें पास करना होगा। तो इसके बाद यहाँ पे एक हमें API की भी ऐड करनी है, तो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार।
इससे पहले यहाँ पे मैनिफेस्ट की एक फ़ाइल होती है, मैनिफेस्ट की फ़ाइल में हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं जो कि ऐप का नेम हमने चेंज किया था, यहाँ से चेंज हो चुका है। और यहाँ पे अगर आपके पास ऐप की आईडी है, एडमोव की ऐप आईडी, तो वहाँ से आप इसको चेंज कर लेंगे मीप मैप में आकर। मीप मैप में तो हमने लोगो सेट किया है, ए वाली लोगो सेट किया है। अगर कोई और लोगो आप ऐड करना चाहते हैं, इमेज सेट में फिर से जाएंगे, बैकग्राउंड में हमारा ग्रीन हो गया, फिर से हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है। जो कोई अगर न्यू इमेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज करेंगे, तो आपके मैनिफेस्ट फाइल्स के अंदर जो लोकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट मीप मैप का रहता है, तो आप वहाँ से मीप मैप का इमेज वहाँ से चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। बाय अगर वहाँ पे कोई और लोकेशन देना चाहते हैं, लाइक ड्रावर फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो गाइज़ अब हम देखेंगे कि एडमिन पैनल को कैसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको डोमेन होस्टिंग परचेस कर लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो मैंने यहाँ से डोमेन होस्टिंग परचेस कर लिया अपने होस्टिंगर से। तो कैसे डोमेन होस्टिंग परचेस करते हैं, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख करके डोमेन होस्टिंग परचेस कर लीजिए। यहाँ से परचेस हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड है, जो कि डैशबोर्ड यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइम जो कि हमने परचेस किया हुआ है, फर्स्ट टाइम करेंगे तो कुछ इस टाइप का सारा चीज़ें दिखेंगी आपको। ये नोटिफिकेशन का पार्ट है, इसको इग्नोर करेंगे। SSL में जाएंगे तो देख सकते हैं मैंने SSL भी इंस्टॉल कर दिया है अपने, जो कि हमने डोमेन नेम लिया था। यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे तो डोमेन होस्टिंग आपको कोई भी ले सकते हैं, cPanel, होस्टिंगर, तो मेरा होस्टिंगर है। पहले हम यहाँ पे एक न्यू सब डोमेन क्रिएट करेंगे, हम सारी चीज़ें सब डोमेन के अंदर सेटअप करेंगे, जैसे कि हमारा जो मेन डोमेन हो वो खाली रहे, आप उसके अंदर आप वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। हमें जो काम है मेनली सब डोमेन पे है, आप डायरेक्ट डोमेन पे भी कर सकते हैं, बट सब डोमेन पे कीजिए जो कि बेस्ट रहता है। आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और भी अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो न्यू सब डोमेन क्रिएट कीजिए, वहाँ पर एडमिन पैनल सेटअप करके आप कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे सब डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका नेम मैंने लिख दिया ऐप। बाकी जो आपका मेन डोमेन है वो आपका मेन डोमेन रहता है, app.maindomain.com.in या फिर जो भी एक्सटेंशन है .in.com एनीथिंग, वो आपके डोमेन के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ से हमारा सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। इस तरह से आप अपने सब डोमेन को क्रिएट कर लेंगे। अगर आपके पास cPanel हो, cPanel में भी यही स्टेप होता है, आप सब डोमेन के अंदर जाइए, जो भी नेम करना है नेम कीजिए, जो भी आपके पास डोमेन रखा हुआ है उस डोमेन को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपका सब डोमेन क्रिएट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं अपने होस्टिंग में, ओके। तो यहाँ से क्रिएट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो सब डोमेन क्रिएट हुआ है, इसको हम सिंपल से अपने नोट पैड पर रख लेते हैं, जिससे कि हम जो भी फ्यूचर में वर्क करें वो सब कुछ हमारे एक जगह पर रहता है, तो हमें कोई भी काम करने में ईजी होता है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, अपने सारी चीज़ें को एक नोट पैड पर अंदर सारी चीज़ें रख लीजिए। ये हमारा सब डोमेन क्रिएट हो गया, सब ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एडमिन पैनल सेटअप करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे फिर से हम होस्टिंग में जाएंगे, ये होस्टिंग का डैशबोर्ड होता है। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे और हम नीचे जाने के बाद एक न्यू फाइल मैनेजर का सिस्टम मिला हुआ है, जो कि पहले जो क्या था सिर्फ फाइल मैनेजर था, अब जो है यहाँ पे कुछ चेंज हो चुका है, तो उसमें हम जो चेंज हुआ है, जो अपडेट हुआ है, हम उस अपडेट पर काम करेंगे। यहाँ पर हम आएँगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल मैनेजर बीटा करके आया हुआ है, तो फाइल मैनेजर बीटा में सारी चीज़ें करने वाले हैं, जो कि पहले सिर्फ फाइल मैनेजर था। तो फाइल मैनेजर बीटा में काफ़ी अच्छा है, क्या अच्छा है अभी हम आपको दिखाते हैं, जो कि फास्ट लोडिंग है एंड उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि न्यू है, काफ़ी अच्छा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट अब काफ़ी इसमें कुछ फीचर्स ऐड हो चुके हैं जो कि काफ़ी बेस्ट है, तो आप इसी को यूज़ कीजिए, ठीक है, फाइल मैनेजर बीटा को, अगर आप होस्टिंगर का आपका डोमेन होस्टिंग है तो। फिलहाल हम यहाँ पे ओपन करते हैं फाइल पब्लिक अंडरस्कोर HTML को, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स में जो डिफ़ॉल्ट इसको कट करते हैं, यहाँ पे ऐप के अंदर, ऐप यानी क्या है, जो मैंने ऐप नेम से जो मैंने बनाया होता सब डोमेन बनाया था वही था ऐप, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक जो हमारे पास सोर्स कोड हमने परचेस किया है, या फिर जो सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड का एडमिन पैनल ही हमारे पास, एडमिन पैनल का कोड है, एक जिप फाइल में और एक SQL फाइल में, इसको अपलोड पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारा जिफ के जो कोड है इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे अपलोडिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पे होने देते हैं। यहाँ पे फिर से आपको आ जाना है MySQL डेटाबेस, हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो MySQL डेटाबेस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे डेटाबेस का नेम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो सिंपल सा हमने लिख दिया माई ऐप एंड माई ऐप।
और डेटाबेस का नेम एंड यूजर नेम लिख दिया, पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे आपको डेटाबेस जनरेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं डेटाबेस का नेम यूजर नेम मैंने सेम रख दिया। फिर यहाँ पे MySQL पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे MySQL का भी एक फाइल है उसको भी यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। तो ये जो कोड है आपको लेना पड़ेगा यानी परचेस करना पड़ता है, तो आप यहाँ से मेरे से ही परचेस कर सकते हैं अगर आपको ये कोड चाहिए तो। तो फिलहाल अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे ऐप को कस्टमाइज़ करते हैं और कैसे एडमिन पैनल को सेटअप करते हैं अगर आपके पास पहले से कुछ कोड रखे हुए हैं एडमिन पैनल सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा इंपोर्ट पे जाना है, फाइल चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे .sql की मेरे पास फाइल्स है चूज़ करना है, गो पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारे पास जितनी भी फाइल्स थी SQL की वो सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं, डेटाबेस भी हमारा बन चुका है और यहाँ पे जो फाइल अपलोड कर रहे थे वो भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसको हम जो कि अनअर्चीव कर लेते हैं यानी जिप फाइल में था तो उसको अनजिप करेंगे। तो ऐसे आपको अनजिप कर लेना है पब्लिक अंडरस्कोर के अंदर, ए के अंदर मैंने इसको अनजिप किया था। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, हमें ए के अंदर अनजिप नहीं करना है, हमें ऐप के अंदर करना है। इसको हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, इतनी सारी फाइल्स है हमारे अंदर हमारे पास, इन सारी फाइल को हम कंट्रोल ए कर लेंगे और जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहते हैं आप इसको रख लेंगे। तो हम इसको ऐप के अंदर रखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी लोकेशन नहीं आया, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे ऐप पे क्लिक करेंगे, ये हमारा लोकेशन आ गया फाइल के अंदर पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर ऐप के अंदर। अब हम यहाँ पे मूव कर देंगे, आपको बहुत ही केयरफुली मूव करना है, आपको देख लेना कि आप कहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो मैंने ऐप के अंदर सारी फाइल्स मूव कर दिया, जो मेन फाइल है आपको अपने सब डोमेन के अंदर मूव करना है, बाकी जो अननेसेसरी फाइल है उसको डिलीट कर देना है। ऐसे कुछ इस टाइप का जो कि जिप फाइल अब हमें इसका काम नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली सारी चीज़ें कर ली हैं। इसके बाद अब आपको जो डेटाबेस आपने बनाया हुआ है उसको अटैच करना होता है, उसके लिए आपको सिंपल सा इसको ओपन करेंगे। तो मैंने config.php के अंदर यहाँ पे हमारा डेटाबेस और यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा। तो हो सकता है कि आपको आपके में कोई किसी और फाइल्स के अंदर आपको ऐड करना हो, तो आप चेक कर लीजिए कि आप कहाँ पे आपका जो फाइल्स है वो कहाँ पे ऐड करवा रहा है। ये सारी चीज़ें डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड आप अपने ऐप के अकॉर्डिंग अपने कोड के अकॉर्डिंग आपको चीज़ देख लेना है और उसके बाद ही आपको ऐड करना है, ठीक है। तो मेरे में फ़िलहाल हम config.php के अंदर मेरी चीज़ें हैं यहाँ पे मुझे ऐड करना है। तो पासवर्ड यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, आपको ध्यान रखना कोई भी स्पेस नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस देंगे तो आप इशू आ जाएगा, तो आपको स्पेस नहीं देना है। अब यहाँ पे हम अपने सब डोमेन को एक बार इंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो एडमिन पैनल का यूजर नेम पासवर्ड है वो एडमिन है, एडमिन है। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं और इसके बाद आपको एक परचेस कोड पूछेगा, आपको जब कोड को परचेस कर लेंगे तो आपके पास एक परचेस कोड मिलेगा, आपको उसको ऐड करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे का जो डैशबोर्ड होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप का। तो मेरा जो एप्लीकेशन है इसका सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, आ चुका है यानी इसका जो एडमिन पैनल है सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। तो ऐसे जो आपने डेटाबेस बनाया हुआ था config.php के अंदर मैंने ऐड कर दिया था डेटाबेस यूजर नेम एंड पासवर्ड और उसके बाद से डेटाबेस का नेम डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड मैंने ऐड जैसे ही किया तो वहाँ पे ऐड हो चुका और सक्सेसफुली हमारा एडमिन पैनल सेटअप हो चुका। फिलहाल यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जैसे पैकेज नेम मैंने ऐड कर लिया, यूट्यूब की API की यहाँ पे कैसे ऐड करना है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया कैसे यूट्यूब की API जनरेट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमें फायरबेस की चाहिए, इस पर रिफ्रेश कर देते हैं जो हमने फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। क्लाउड मैसेजिंग में जाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग क्लाउड मैसेजिंग, यहाँ पे सर्वर की ये होता है सर्वर की, मैंने आपको बताया कैसे इसको इनेबल करते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अगर आपने नहीं देखा तो आप फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिए जिससे कि आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। और FCM सर्वर की यही होता है, फायरबेस से आपको मिलता है FCM सर्वर की। YouTube की API की यहाँ पे मैंने नोटपैड पे रखा हुआ है जनरेट करके, मैंने आपको बताया था कैसे जनरेट करते हैं। और FCM सर्वर की भी हो गया एंड FCM नोटिफिकेशन टॉपिक आपको जाने दीजिए। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो कोई भी है उसको भी ऐड कर लेते हैं। वन सिग्नल ऐप ID भी मैंने आपको बताया कैसे जनरेट करते हैं, वन सिग्नल ऐप ID हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपना। और REST API की को भी ऐड कर लेते हैं, ये हमारी हो गई वन सिग्नल ऐप और REST API की, जस्ट पेस्ट इट हियर। इसके बाद API की, API की मेनली क्या होता है, ये आपके एडमिन पैनल जो है एडमिन पैनल के साथ ही API की मिलती है, उसको हम रहने देते हैं।
इसके बाद यहाँ पे हमारे प्राइवेसी पॉलिसी थी। प्राइवेसी पॉलिसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं। इसके टेक्स्ट को हमें चाहिए टेक्स्ट, और जो URL हमें प्ले स्टोर पर चाहिए और ऐप के अंदर भी चाहिए वो हम आपको ऐड करके बता देंगे। यहाँ पे हमें फ़िलहाल अभी टेक्स्ट चाहिए, इस टेक्स्ट को हम सिंपल से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी हो गई प्राइवेसी पॉलिसी। इसके बाद जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर लीजिए और यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। अगर आपका एडमिन पैनल थोड़ा सा दूसरे है किसी और इस टाइप का तो आप उसको कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे API की हमारे एडमिन पैनल का है। API की हम न्यू API की जनरेट करने के लिए जनरेट पे क्लिक करेंगे, इस API की को कॉपी करेंगे एंड अपडेट कर देंगे। ये हो गई हमारी API की जो कि हमारे एडमिन पैनल से मिला है, और इस API की को हमें ऐड करना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने क्लोज कर दिया था, हम फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं। तो मैंने आपको अभी तक जितना भी एडमिन पैनल सेटअप करना बताया आपको इजीली सेटअप कर लेंगे। अगर आपका सी पैनल है तो आप सी पैनल में भी आपका यही स्टेप होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि ऐसे आप वहाँ पे सब डोमेन क्रिएट करते हैं, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी होता है। जैसे आप इसमें करेंगे वैसे उसमें भी करेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका कोई भी होस्टिंग रहेगा आप इजीली कर लेंगे। तो अगर आप डोमेन होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर का भी ले सकते हैं, या फिर जो भी आपको अकॉर्डिंग आपके बजट में हो आप कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा होस्टिंगर का परचेस कीजिए, होस्टिंगर की होस्टिंग काफ़ी बेस्ट रहती है और बाकी इसकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाता है होस्टिंगर की तरफ से। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक से अगर आप परचेस करते हैं तो कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देख करके कर लीजिए। तो यहाँ से अपने जावा फाइल्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास कॉन्फिग्स की फाइल है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारे एडमिन पैनल का जो URL वो ऐड कर देंगे, और जो API की जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा API की है जो कि हमें एडमिन पैनल से मिला है। इसके बाद एडमिन पैनल का जो URL है यानी कि जो हमारा सब डोमेन है, सब डोमेन को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पर ऐड हो जाने के बाद आपको देख लेना है करेक्टली आपका सब डोमेन है कि नहीं। आपको यहाँ पे अगर HTTPS है तो बोल कर लेना है, अगर HTTP है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड कर लेना है, और API URL भी आपको ऐड कर लेना है। जो कोई भी रिक्वायरमेंट पूछता है आपको कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट को बस सिंक कर देते हैं, और इसके बाद सर्च हमारी हो चुकी है। अब हम प्रोजेक्ट को रन कराएंगे, तो इसको हम एमुलेटर में करेंगे या फिर अपने मोबाइल में डीबगिंग करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास एमुलेटर है, हम अपने एमुलेटर में रन करके चेक करेंगे, और जो कोई भी यहाँ पे चेंज करेंगे अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे मैनेज ऐड पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड स्टेटस ऑन रखना तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ रखना ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर जो कि ऐड है, इतने टाइप के ऐड आप लगा सकते हैं, फेसबुक है, ऐड नेटवर्क है एंड यूनिटी है, कोई भी आप एक ऐड सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्रोजेक्ट को रन कराया तो यहाँ पे एरर आ गया कुछ इस टाइप का। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए सिंपल सा वही तरीका, एक बार और इस जो आपने ऐड किया है इसको वही स्टेप करेंगे, और यहाँ पे जो कलर है कलर फिर से हम कर देंगे वाइट कलर, जो कि फर्स्ट टाइम में नहीं ले पाता है। अगर आप यहाँ पे लोगो सेट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आ चुका है नीचे का। एक बार और इसको हम रिफ्रेश कर देंगे और प्रोजेक्ट को अपने रन कराएंगे, क्योंकि कभी कभी लोगों का इशू आ जाता है, फोरग्राउंड नॉट फाउंड कुछ इस टाइप से। तब वही कीजिए, मिप मैप में जाइए, राइट क्लिक करेंगे और फिर से इमेज को सेट कर देंगे। उसी इमेज को सेट नहीं करना, बस कलर को एक बार चेंज कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एरर है जो कि बहुत ही बेसिक एरर है, ये कोई एरर नहीं है, बस ऐसे यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि आपको चीज़ें आनी चाहिए कैसे इसको रिजॉल्व करना होगा। तो हमारे प्रोजेक्ट को एक बार फिर से रन कराया हुआ है, अब हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो रन हो जाएगा। अगर कुछ आप इशू आता है तो अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप हमारे इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारा प्रोजेक्ट जो कि रन हो रहा है। या फिर दूसरा तरीका है इसका, आप बिल्ड पे जाइए, बिल्ड APK बना करके आपको अगर किसी और को सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में रन कराना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन में रन करा सकते हैं। बिल्ड सक्सेसफुल, यहाँ पे हमारा बिल्ड हो चुका है और हमारा प्रोजेक्ट जो कि रन होकर आ चुका है। तो इस तरह से आपको अपने प्रोजेक्ट को देख लेना है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं हमारा प्रोजेक्ट किस टाइप का था, जो कि यहाँ पे मैंने स्प्लैश स्क्रीन में मैंने इस इमेज को यूज़ किया था। स्प्लैश स्क्रीन काफ़ी परफेक्ट आ रहा है, कलर्स मैंने ऑरेंज लिया था। और इसके बाद यहाँ पे सारे होम पेज पे जो कि बैकेंड से सारी डेटा आ रही है,
जो कुछ चेंज करेंगे बैकएंड में, वो बैकएंड में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ऐड भी आ रहा है, क्योंकि मैंने ऐड वहाँ पे लगाया हुआ था, ऐड को मैंने ऑन किया। और जो कैसे ऐड आईडी क्रिएट करते हैं, वो सारे ऐड भी मैंने आपको बताया कैसे ऐड को क्रिएट करते हैं। आपका जो अकाउंट वेरीफाई हो जाने के बाद आपका जो ऐड होगा वो शो होने लगता है। इसके बाद यहाँ पे कंटेंट्स है, कैटेगरीज, एंड कैटेगरीज में आप जो कैटेगरी ऐड करेंगे, जो कि एडमिन पैनल से आप ऐड करेंगे, बैकएंड से जो कुछ ऐड करेंगे वो आपका यहाँ पर शो होके आ जाएगा। और स्क्रीनशॉट लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है। कैसे आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट क्रिएट करेंगे अपने प्ले स्टोर के लिए, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट क्रिएट करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशंस के लिए अच्छे अच्छे, तो आप उस वीडियो को देख करके स्क्रीनशॉट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं, तो वीडियोस प्ले होगा तभी होगा जब आप YouTube की API की ऐड किए रहोगे। कोई भी आपका एप्लीकेशन हो उसमें आपका वीडियो तभी प्ले होता है, YouTube का वीडियो, जब आप यहाँ से YouTube की API की ऐड किए रहते हैं। अगर कोई मैप है तो मैप की API की होती है, जो कि ऑफिशियली प्रोवाइड किया जाता है। कुछ कीज होती है जो कि फ्रीली आपको प्रोवाइड किया जाता है APIs की, उसको आप ले सकते हैं। मेरे में जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने आपको करके बताया। और इसके बाद यहाँ पे फेवरेट्स में जो कुछ आप फेवरेट ऐड करेंगे तो आप सक्सेसफुली आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत इजी तरीके से आप इस एप्लीकेशंस को या फिर कोई भी आपका एप्लीकेशंस हो कस्टमाइज़ कर लेंगे और आप वहाँ से सक्सेसफुली रन करा लेंगे। इसके बाद आप अपने प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर कैसे एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं, मैंने इसके लिए भी अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है करेंटली में, आप उसको देख करके कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चंस हो या फिर अगर कोई एप्लीकेशन आपको बनवाना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।